क्लास सिक्स फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 13 सिमेट्री, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन आफ्टर प्रैक्टिकल हम यहां पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये बता दें कि एग्जैक्ट इस क्वेश्चन पे हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी, कॉपी किसे बोलते हैं? किसी चीज़ की कॉपी करना। ठीक है, कॉपी मतलब नकल, चीटिंग करना। तो हमें चीटिंग करना है, लेकिन देखना है किसके अकॉर्डिंग। कॉपी द फॉलोइंग फिगर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर, स्क्वायर्ड ये आपका स्क्वायर्ड पेपर हो गया। कंप्लीट ईच ऑफ देम सच दैट द डॉटेड लाइन इन द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए पहले सिमेट्री तो देख लें। इससे पहले आप पेज 270 देखिएगा, रिमार्क है सिमेट्री के बारे में। व्हेन वी सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो जिसका इमेज एक प्लेन मिरर पे बन रहा हो, जैसे आपके घर में जो मिरर है उसमें आपका इमेज बन रहा है, सभी अपोजिट होते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे देखिए ई को ए बना के दिखाया गया है, यानी हम इस एक्सरसाइज में ये करने वाले हैं। सपोज हम यहाँ पे ए हमने ड्रा किया, ठीक है, तो ए का देखिए ये लाइन आपका थोड़ा सा लॉन्ग है इसके अकॉर्डिंग। अब इसका अगर हम इमेज बनाएं, यहाँ पे मिरर रख दें, मिरर आप रख के देखिएगा, यहाँ पे आप मिरर रख लीजिएगा और इस इमेज को देखिएगा, तो आपको ये जो स्मॉलेस्ट वाला है वो इस साइड आपको दिखेगा और जो लॉन्गेस्ट है वो इधर आ जाएगा। ये मिरर हो गया, सिंपल, यही तो हमें करना है इस एक्सरसाइज पे। सो वी नोटिस दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, याद रखिएगा जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उसका इमेज बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगा, इज द सेम एज डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसीलिए हम इसे ग्राफ में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट, आप फ्री हैंड नहीं कर सकते आप इसे, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ इट। द मिरर लाइन इज परपेंडिकुलर, और याद रखिएगा जो मिरर आपकी लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया, लास्ट एक्सरसाइज में, 90 डिग्री के बिना आप सिमेट्री नहीं कर सकते। टू द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट इट्स इमेज, देखिए प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाया गया है, ये इमेज देखिए ये स्ट्रेट है, किस साइड है, आपकी साइड है, इस साइड झुक रही है, लेकिन जब उसका इमेज बना तो इस साइड हो गई, राइट साइड झुकने लग गई। उसका देखिए ये स्लोप कैसे है, स्लोप इस साइड है, अब किस साइड हो गई, इस साइड हो गई। ये इमेज जिधर है उसके जस्ट अपोजिट हो गई, जो डाउन साइड इधर आ रही है वही आपकी इधर आएगी, सेम प्रोसेस पे। ठीक है, यही हमें करना है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फर्स्ट, इसका हमें इमेज बनाना है, यह ऑब्जेक्ट है, इसका हमें इमेज बनाना है। तो चलिए स्टार्ट है हमारा ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, हमने एक एक पॉइंट्स को मेजर करके किया है। देखिए हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, किस साइड ड्रा हुआ, लेफ्ट की ओर, किधर, ये देखिए ये डायगोनल, डायगोनल किसे बोलते हैं, कोई भी एक बॉक्स हो, जैसे एक बॉक्स है, इसके कॉर्नर से ये जो आपका पॉइंट है वर्टेक्स, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये डायगोनल कहलाते हैं। क्लियर, तो ध्यान से देखिए ये आपको बॉक्स दिख रहा है, और देखिए इसके ये डायगोनल वन बॉक्स में इधर गए हैं, तो श्योर है इसका इमेज इस साइड वो भी जाएगा यहाँ से, तो कैसे जाएगा, इसमें जाके ये टच हो जाएगा। पहली लाइन ड्रा हो गई आपकी, चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये मूव किया वन और टू लाइन, देखिए टू यूनिट ये डिस्टेंस डायगोनल्स में, वन एंड टू, टू गया ना, तो हम भी इस साइड, हमें टू जाना है, किधर जाना है, इधर, जैसे वो इधर आ रहा है वैसे आप इधर चलिए। तो देखिए वन और टू, हमें टू चलना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और टू, आपका टू यहाँ पे आएगा, अब इसे आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर, इतना आपका क्लियर हो गया। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये डायगोनल आपका इधर गया, तो आप भी इधर मूव करिए, इधर मूव मत करिएगा। अब देखिए अगर आपने इमेज सही बनाया तो उसका सेम हूबहू ऊपर दिखेगा, ठीक है, बस अपोजिट रहेंगे। ये आपका मिरर है, ये लाइन नहीं है, ये मिरर है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, इसका इमेज हमें देखना है कि इधर कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर वही आ गया ना, देखिए स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर का वन डायगोनल है, स्क्वायर का वन डायगोनल, तो हम भी इधर, देखिए इधर मूव कर रहे हैं नीचे की ओर, अभी ये टॉप साइड जा रहा था, हम भी टॉप साइड गए, है ना। जैसे आप मिरर के साइड जाएंगे तो क्या होगा, वो आपका इमेज भी मिरर की ओर आएगा, पास आएगा, और जब आप मिरर से दूर जाएंगे तो आपका इमेज भी मिरर से दूर जाएगा। तो देखिए हम अभी तक दूर जा रहे थे, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट अंदर आ रहा है, तो वो भी अंदर आएगा, तो चलिए अंदर ले आइए,
ये डायगोनल हो गया अंदर। क्लियर, इतना आपका क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपका पॉइंट स्ट्रेट होना चाहिए, तो ये भी स्ट्रेट होता, सिंपल, लेकिन ये थोड़ा सा कॉर्नर में जाके मिडिल, देखिए वन यूनिट का ये मिडिल लाइन है, मिडिल है ना 1.5, देखिए एक हल्का डार्क यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लाइन मिडिल में टच है ना, तो यहाँ से आप भी इसका डायगोनल कर दीजिए ना। देखिए अगर आप गौर से उसे देखना चाहते हैं उस पॉइंट को, तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं कैसे। ये देखिए ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर है ना ये, ये देखिए इसका डायगोनल है, तो ये भी तो इसका हाफ सेंटीमीटर है, ये देखिए तो इसका भी डायगोनल होगा, तो यहाँ से आप इसे लाके यहाँ से टच कर दीजिए, ये आपका इमेज फाउंड हो गया और यही आपका आंसर भी है। क्लियर, बन गया आपका सेम इमेज। सो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ आपका इमेज, याद रखिए क्या होगा इमेज। क्लियर, नाउ फर्स्ट टू सेकेंड। अब देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक यहाँ पे स्क्वायर, एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर है, चलिए इसे हम लार्जेस्ट करके दिखा रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक लार्जेस्ट स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, तो श्योर है इसका इमेज वर्टिकल है तो डाउन बनेगा। क्लियर, और माफ़ कीजिएगा इसका इमेज आपका इधर बनेगा, और वर्टिकल याद रखिएगा वर्टिकल होगा तो उसका इमेज उधर बनेगा, और अगर हॉरिजेंटल है तो उसका इमेज लेफ्ट राइट बनेंगे, सॉरी अप डाउन बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस है और ये लाइन क्या है वाई एक्सिस, ये आपको सेवन्थ या एट क्लास से ऑलरेडी पढ़ना ही है, इसे ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ लाइन, एक्स अब्सिसा वाई ऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं इसे ओरिजिन बोला जाता है, याद रखिएगा। क्लियर, अब देखिए इसका इमेज बनाना है, ट्रायंगल है, देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ये डायगोनल है, तो एक डायगोनल इधर बना दीजिए आप, ये बन गया इसका इमेज। और देखिए कौन डिसाइड करता है आपका इमेज कैसे बनेगा, ये लाइन मिरर आपकी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, तो इसका इमेज ऊपर बना। अब मिरर कहाँ पे है, स्ट्रेट है एकदम सीधे, भाई ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट नंबर, तो आप मिरर कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखे हैं, तो इसका इमेज नीचे थोड़ी बनेगा, इधर बनेगा ना इसका इमेज, हमारे पास मिरर नहीं है अदरवाइज हम दिखा भी देते, तो इसका इमेज इधर ना बनेगा, यही फोटोकॉपी उधर बन जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है सेकंड, तो आप यहाँ पे मिरर रखे हैं ना, मिरर तो आपका यहीं पे है सेंटर पे, तो इसका इमेज इस साइड बनेगा, सिंपल। तो देखिए एक इमेज ये डायगोनल बन गया, अब एक स्क्वायर देखिए बॉक्स है एकदम, तो 1 सेंटीमीटर आप इधर ला के इससे ज्वाइन कर दीजिए, एक बन गया आपका टेम्पल, सिंपल, ये आपका हो गया सेकंड। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये भी ऑब्जेक्ट था, और ये हुए इमेज, और ये भी हुआ इमेज। क्लियर, नाउ थर्ड। अब थर्ड को स्टार्ट करने से हम पहले हमें बेसिक बताना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबसे टफ आपका थर्ड ही है पूरे एक्सरसाइज पे, तो उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें फिर से। ध्यान दीजिएगा ये आपका ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपके ग्राफ हैं, आपको फ्यूचर में तो पढ़ना ही है, अगर आप ML अग्रवाल से ICSE कर रहे हैं 9th-10th में, तो ये मान लीजिए ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, अगर आपके स्कूल में पढ़ते होंगे सीनियर स्टूडेंट्स होंगे तो उनसे ज़रूर आप डिस्कस करिएगा, आपको मालूम हो जाएगा, वो ज़रूर बताएंगे हाँ ये हमारे में चैप्टर में है अवेलेबल है। तो देखिए अगर आपका मिरर स्टैंड पोजिशन पर है और ऑब्जेक्ट इधर है, तो आपका इमेज किधर बनेगा, इस साइड, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका मिरर, ये मिरर है जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, अगर आपका मिरर ये है, देखिए ये पहला जो था ये वाई एक्सिस था, कौन सा था, वाई एक्सिस, और ये जो आपका मिरर है वो एक्स एक्सिस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो टॉप में, तो आपका इमेज डाउन साइड बनेगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट डाउन में है तो आपका इमेज अपसाइड बनेगा, अबव साइड बनेगा, ओके। अब ध्यान दीजिएगा एक और मिरर होता है, ये तो हुआ वर्टिकल पोजीशन, और ये पोजीशन है हॉरिजेंटल पोजीशन,
अब एक और होता है स्लोप, जिस इसे बोलते हैं स्लोप पोजीशन। स्लोप पोजीशन क्या होता है, जो ना एक्स से जाती है ना वाई एक्सिस से, वो कहाँ से चल देती है, ये सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम बताए थे आपको ओरिजिन, याद रखिएगा ओरिजिन। अगर मिरर हम ओरिजिन पे रख दें एकदम सेंटर पे, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, ध्यान दीजिएगा ओरिजिन है, और आपका ऑब्जेक्ट इस साइड है, और मान लीजिए सर्कल में आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आपकी लाइन इस ऐसे बनी हुई है, ऐसे ध्यान दीजिए कैसे बनी है, स्ट्रेट में। अब थोड़ा सा अमेजिंग करिए ना, हम मिरर को ऐसे रखे हैं, तो क्या इसका इमेज मिरर के ऐसे लाइन जाएगी, कभी नहीं जाएगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करिए, कभी नहीं जाएगी। वो कैसे जाएगी, डाउन साइड आएगी उसका इमेज, यानी ये लाइन ऐसी है तो उसकी लाइन ऐसे जाएगी। थोड़ा सा आप ज़रूर घर में प्रैक्टिकल करिएगा, डायगोनल्स फॉर्म पे रख के किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये बात याद रखिए, अगर हमने एक लाइन ऐसे ड्रा किया और इसे ऐसे रख दें तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ज़रा सोचिए। तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, क्यों, क्योंकि यही आपका इस पोजीशन में अगर वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल बन जाता है, और हॉरिजेंटल होगा तो वर्टिकल बन जाएगा। तो चलिए हम इसे, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इसमें एग्जैक्ट करना क्या है। तो देखिए आपका मिरर कैसे है, इस फॉर्म पे है ऐसे, तो इस भाई आपका मिरर ऐसे है तो स्ट्रेट कैसे अंदर देगा, वो तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो आपका मिरर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 2 गया है, तो आप उसे 2 को डाउन कर दीजिए, क्लियर, यहां तक कर दीजिए, इसका इमेज ये हो गया। अब सेकंड देखिए, हाफ, हमने 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट उसका हाफ लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप उतना देखिए वो स्ट्रेट नीचे आ रही है ना, तो आप उसे राइट साइड घुमाइए, ठीक है। मतलब अगर वो खड़ी है तो उसे क्या कर दीजिए, आप हॉरिजेंटल कर दीजिए, अगर वो हॉरिजेंटल है तो आप वर्टिकल कर दीजिए। बस यही इसका रामबाण इलाज है, जैसा भी आप समझें, ठीक है। अगर खड़ी है लाइन और आपका मिरर ऐसा है तो समझ जाइए उसका इमेज ऐसा होगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ऐसे था, हॉरिजेंटल में था, हमने वर्टिकल कर दिया, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं हॉरिजेंटल, तो ये इमेज क्या हो गई, वर्टिकल। अब देखिए ये क्या है, वर्टिकल है ना, खड़ी है, तो हमने क्या कर दिया, हॉरिजेंटल एच कर दिया। ये बेस्ट होगा आपके लिए, आपको कभी डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँचे। अब फिर इसके बाद देखिए हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल का हॉरिजेंटल, अब ये क्या है, हॉरिजेंटल, तो आप वर्टिकल करिए, ठीक है। तो ऊपर नहीं करना है, नीचे करना है, क्योंकि वो इस साइड नीचे आ रही है, तो यहाँ से टच करने के बाद हम 1 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे नीचे साइड, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मूव है छोटा सा, तो आप उसका ये क्या हो जाएगा, आपका इस साइड मूव हो जाएगा, क्लियर। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आपका मूवमेंट ये हुआ चेंज, हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से फिर इधर आए स्लोप, ये वाला मूवमेंट आपका ये हो गया, देन आफ्टर आप इसे मूव, फिर इसके बाद देखिए इधर है हॉरिजेंटल, तो वर्टिकल करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर देंगे, माफ़ कीजिएगा ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज्वाइंट ही नहीं हो रहा, तो हमने क्या डिस्टेंस रॉन्ग किया। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम मिरर ऐसे रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे होगा, इसके जस्ट नीचे होगा, हमने ये रॉन्ग किया, और ये जो आपका लाइन है इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसमें आपका, हमने यहाँ पे जो भी किया वो थोड़ा सा रॉन्ग था, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर, 1 से हाफ, तो यहाँ से इसका इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, क्योंकि मिरर यहाँ पे होगा तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, और ये इमेज आपका यहाँ बनेगा, क्योंकि ये टेढ़ा हुआ है, ऐसे रखेंगे तो श्योर है इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका इमेज डाउन साइड बनेगा, और ये जो टॉप में है श्योर है कि उसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये आपका 1.5 है, तो हमें चलना था 1 सेंटीमीटर एंड हाफ, यहाँ तक चलना था, ठीक है। तो हम इसे दूसरे कलर से कर देते हैं, उसके बाद हमें मूव करना था,
थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन से हमें इमेज बनाना था, इस साइड से नहीं बनेगा क्योंकि इसका इमेज तो यहाँ बनेगा ना, ये डाउन साइड, ये इमेज आपका इधर बनेगा, ठीक है, ये इमेज आपका इधर बनेगा, क्लियर। तो ये माफ़ कीजिएगा, ये सभी ये लाइन आपके रॉन्ग है और कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी में ही आपका ड्रा हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा क्या है हॉरिजेंटल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा हॉरिजेंटल ही होगा, नो चेंजेस, जिधर उसका फेस है उधर ही वो आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से तो फ्रंट हो गया ना वो, तो ये इधर आ रहा है तो ये भी इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये मूव करेगा डाउन साइड कितना, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे, तो इसे हम ब्लैक कलर से ही कर देते हैं। यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ तक आए, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये 1 सेंटीमीटर आया, क्लियर। 1 सेंटीमीटर आने के बाद फिर देखिए ये थोड़ा सा मूव हुआ, आप भी इधर थोड़ा मूव कर दीजिए, सिंपल। फिर उसके बाद ये देखिए स्टैंड पोजिशन पे है यहाँ, हाफ सेंटीमीटर, आप भी हाफ सेंटीमीटर कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर इसे ज्वाइन कर रहा है, तो इसी का इमेज आपका यहाँ पे आ गया, ये 2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आपका ड्रा है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कैसे चलना है देखिए, फिर से ये आपका इमेज है, तो श्योर है इस इमेज में ये जो इमेज होगा इधर बनेगा, इसके सामने बनेगा, ये भी आपका सामने बनेगा और ये आपका डाउन साइड बनेगा, श्योर है कि इसका आपका इमेज सबसे नीचे बनेगा, क्लियर। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट ये आपका इमेज, आपको अगर इधर से नहीं समझ में आ रहा आप नीचे साइड से कर लीजिए, देखिए ये इमेज आपका ये हो गया, चलिए ऐसा कर दें। फिर उसके बाद देखिए डाउन साइड आया, नीचे की ओर आ रहा है तो ये भी ऊपर की ओर आएगा, आप इमेज के मिरर के साइड जाएंगे तो आपका इमेज भी आपके साइड आएगा, तो देखिए नीचे आया ये भी आगे आया, फिर इधर ये लेफ्ट की ओर मूव किया इस साइड, इसने राइट की ओर मूव किया, चलिए उल्टा ही पढ़ा देते हैं इस बार, ठीक है, इधर हो गया। फिर उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर चला, तो यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर ये भी चला, देखिए वो नीचे आ रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, भाई एक दूसरे से मिलेंगे। फिर उसके बाद ये लेफ्ट की ओर मूव किया इस साइड, तो ये राइट साइड की ओर मूव करेगा, भाई आप यहाँ पे पहुँचने के बाद मिरर के विपरीत यानी अपोजिट साइड जाएंगे तो वो भी तो अपोजिट साइड जाएगा ना, तो ये देखिए यहाँ से हम इधर चले गए। उसके बाद देखिए 1.5 आप नीचे आए तो ये भी 1.5 ऊपर की ओर गया, भाई यहाँ से आप मिरर की ओर कॉर्नर से जा रहे हैं तो वो भी कॉर्नर साइड से मिलेगा, सिंपल। तो क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड भी सेम ही है, कॉपी द फॉलोइंग फिगर इन स्क्वायर पेपर कंप्लीट ईच ऑफ, सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, बस इसमें 2 डॉट्स है, क्लियर, इसमें सिंगल लाइन थी, इसमें आपकी डबल लाइन है। तो चलिए डायरेक्टली हम इमेज तो आपके सामने है, इससे भी वैसे ही ड्रा करते हैं जैसे हमें इमेज बनाना है, क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस, तो श्योर है इन दोनों के दोनों इमेज बनेंगे। हमने क्या बताया था कि अगर आपका मिरर इस फॉर्म पे है तो आपका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज ऊपर की ओर बनेगा, तो चलिए बना भी देते हैं। ये कितना सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए 1 सेंटीमीटर ये और ये हाफ, तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, चलिए तो ये 1 सेंटीमीटर और ये हाफ, क्लियर। तो इसे आप ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि इसका इमेज ऊपर बनेगा, यहाँ हम पहुँच गए। इसके बाद देखिए ये आपका एक छोटा सा स्क्वायर है 0.5 का और ये भी आपका 0.5 का है, तो 2 स्क्वायर का ये डायगोनल है, देखिए डायगोनल है ना 2 स्क्वायर का, तो यहाँ पे भी देख लीजिए 2 स्क्वायर का डायगोनल, तो यहाँ से अगर हम डायगोनल टच करते हुए जाएंगे तो एक ये हो गया छोटा वाला स्क्वायर, देखिए ये छोटा, और यहाँ पे भी देखिए एक और है स्क्वायर, 2 स्क्वायर हम चले गए डायगोनल पे, ठीक है। इसके बाद देखिए हाफ सेंटीमीटर टच कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो यहाँ से आप भी हाफ को टच कर दीजिए, सिंपल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप एक ऐसा ऐसा कर लीजिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, ये 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर, यहाँ भी देखिए हमने क्या किया, उधर ये 1 स्क्वायर और आगे वाला ये 1 स्क्वायर, देखिए कॉर्नर कॉर्नर टच है दोनों, ये भी कॉर्नर कॉर्नर टच है, वैसे ही हमने भी लिया, चलिए ठीक है, एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं वाई एक्सिस, तो ये भी तो मिरर है ना, अभी देखिए हमने यहाँ पे मिरर किया तो इसका इमेज उस साइड बन गया, अब हम मिरर यहाँ पे कर रहे हैं,
तो इसका इमेज इधर बनेगा ना। तो चलिए अब ड्रा करते हैं। तो देखिए इसका डिस्टेंस देखिए, ये यहाँ से मिरर से कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर एंड हाफ। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर एंड हाफ ये हुआ। तो इसका इमेज सेम जैसे यहाँ पे है इसके सामने ही बनेगा। तो ये हो गया यहाँ तक 1.5। इसके बाद फिर वही डायगोनल टच करिए, ये स्क्वायर है ध्यान से देखिए, ये छोटा सा स्क्वायर है और ये भी आपका स्क्वायर है। तो इनके डायगोनल को ऐसे सीधे ज्वाइन कर दीजिए, इसके बाद आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर। तो आपकी लाइन क्या हो गई, ये हो गई और ये। तो ये टॉप का हो गया, इधर लेफ्ट का इमेज हुआ राइट। अभी डाउन का ही बनाना है, तो सेम जैसे आपने यहाँ किया वैसे यहाँ भी कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर एंड हाफ, क्लियर। इसके बाद डायगोनल देखिए, ये आपका बॉक्स है ध्यान से देख सकते हैं, ये बॉक्स और ये बॉक्स, 2 बॉक्स, इनके डायगोनल टच कर दीजिए, ये हो गया। और इसके बाद 0.5 ड्रा कर दीजिए, ये आपका इमेज कंप्लीट, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट इमेज देखिए, ये आपको स्मॉलेस्ट एक बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका इमेज ऐसे बना है। अभी हम ले लेते हैं ये मिरर, ये आपका मिरर मतलब वाई के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो देखिए इसका डायगोनल इधर घुमा है, तो इसका भी डायगोनल आप इधर घुमा दीजिए, जैसे नहीं कोई मुंह फेर के मिरर से दूर भाग रहा है तो उसका इमेज भी तो दूर भागेगा ना, हो गया। उसके बाद देखिए इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर नीचे आया है, आया ना, देखिए 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से 0.5 ये और ये 0.5, तो 1 सेंटीमीटर, तो आप भी 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए मिरर रखा हुआ है और ये पैदल मिरर के पैरलर चल रही है, पैरलर कोई भी एक गर्ल्स है या बॉयज जो भी मान लीजिए, यहाँ से पैरलर चल रही है तो उसका इमेज भी पैरलर चलेगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद वो गर्ल्स या बॉयज मिरर से दूर भाग रही है, कितना, 0.5, तो आप भी दूर भगा दीजिए उसको, उसका इमेज को, ये दूर भाग गया। उसके बाद दूर भागने के बाद वो क्या कि पैदल आते हुए आगे की ओर फिर पैरलर आई, कितना, 0.5 सेंटीमीटर, तो आप भी आ जाइए, कंप्लीट। चलिए ये हुआ आपका वाई एक्सिस का, क्लियर। अब एक्स एक्सिस पे आते हैं, ये हो गया आपका फिर मिरर। अब इस बार हम मिरर ऐसे रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका बना हुआ है डिज़ाइन इसका इमेज इधर करना है अपोजिट। तो चलिए देखिए मिरर से ये दूर जा रहा है, तो मिरर से आप भी दूर कर दीजिए 0.5, कर दिए, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, यहाँ जाने के बाद ये हॉरिजेंटल चलने लगा 0.5, आप भी चला दीजिए उसी साइड, अपोजिट तो नहीं कर सकते ना, वो ये मिरर है तो मिरर जैसे इधर चल रहा है मिरर के, तो आप भी पैरेलल उधर चलिए। फिर यहाँ से वो 1 सेंटीमीटर दूर भाग गया, किससे, मिरर से, तो आप भी दूर भगा दीजिए 1 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद ये डायगोनल कर रहा है, किस साइड, मिरर की ओर आ रहा है ना, मिरर तो आपका ये है, अब ये वाला मिरर नहीं है क्योंकि उसका इमेज बन चुका है, तो ये मिरर अब मिरर की ओर आ रहा है डायगोनल में, तो आप भी चले आइए मिरर की ओर डायगोनल में, ये आपका इमेज रेडी। ये तो एक साइड का हुआ, अब सेम आप इधर भी कर दीजिए, सेम इसी को आप ड्रा कर दीजिए सीधे, ये ऐसे आया, फिर उसके बाद इधर मूव किया 0.5, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे आया, फिर उसके बाद डायगोनल टच कर दिया, आपका रेडी हो गया। और ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है, आप किसी से स्टार्ट कर लीजिए। आपको अगर इसका इमेज नीचे बनाना है तो बना लीजिए, आपको जाना है ही है, क्योंकि अगर यहाँ बनाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एक्स एक्सिस के। तो इसका इमेज जब नीचे बन जाएगा और जब वाई एक्सिस करेंगे तो भाई तो दोनों का इमेज उधर बनेगा ना। अब मान लीजिए ऐसा नहीं करते, आप सोचते हैं इसका इमेज मैं इधर बना लूँ पहले, इसको मिरर मान के, वाई को मिरर मान के, तो बना लीजिए, इसका इमेज इधर बना, फिर जब एक्स में आएंगे तो दोनों का इमेज आपको नीचे बनाना पड़ेगा, करना वही है आप चाहे जहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए अगर आपका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहला मिरर हम इसे मान लेते हैं, ठीक है, या वाई को मान लेते हैं अगर इधर बनाना हो तो। तो चलिए एक्स को ही अगर कर लिए तो एक्स से ही चलते हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे है बॉयज, वो कहाँ गया, 0.5 ऊपर, तो आप मतलब मिरर से दूर जा रहा है, तो आप भी चले जाइए, हम भी चल दिए। फिर उसके बाद यहाँ जाने के बाद वो पैरलर हो गया, मिरर के पैरलर 0.5, हम भी पैरलर हो गए। फिर वो मिरर से फिर दूर जा रहा है, कितना, 0.5, हम भी चल दिए। फिर उसके बाद वो
मिरर के पैरेलल अपोजिट जा रहा है, इस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड, तो हम भी चल दिए। ठीक, फिर वो मिरर के फिर अपोजिट भाग रहा है, उल्टा मतलब उधर भाग रहा है, तो हम भी चल दिए इधर 0.5। फिर इसके बाद वो मिरर के पैरेलल वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, तो हम भी चल दिए। ठीक, उसके बाद फिर वो मिरर से दूर भाग रहा है 0.5, हम भी इधर आ गए। फिर उसके बाद वो वाई में जुड़ हो गया 0.5, ये जॉइंट हमने कर दिया, हो गया ना इसका इमेज फोटो कॉपी। चलिए ये कंप्लीट हुआ एक्स एक्सिस, अब आते हैं वाई। अब आपका मिरर यहाँ पे हो गया, तो इसका पूरा इमेज उधर बना दीजिए दोनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी आप चाहें। तो देखिए ये मिरर से दूर भाग रहा है, हम भी चल दिए। फिर उसके बाद वो नीचे आया, हम भी आ गए। फिर उसके बाद फिर वो मिरर से 0.5 दूर चला गया, हम भी चल दिए। फिर वो पैरेलल आ गया मिरर के, हम भी आ गए। फिर वो मिरर की ओर आ रहा है, फिर हम भी आ गए। फिर मिरर के पैरेलल चलने लग गया, हम भी आ गए। फिर मिरर से दूर भागने लग गया, हम भी भाग दिए। फिर वो मिरर में आके ज्वाइंट हो गया, सिंपल सेम। अब यहाँ भी देख लीजिए, फिर ये मिरर से आगे जा रहा है, हम इसका अपोजिट बना रहे हैं, रेड से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी दूर भाग रहा है पैरेलल, हम भी आ गए। ठीक है, ज़्यादा आ गए हैं। फिर उसके बाद ये मिरर की ओर आ रहा है, हम भी आ गए। फिर ये मिरर के पैरेलल चलने लग गया 0.5, हम भी आ गए। फिर ये मिरर से दूर भाग रहा है, हम भी चल दिए। फिर ये मिरर के पैरेलल आ गया, हम भी आ गए। फिर ये मिरर के अंदर आ रहा है, हम भी आ गए। फिर ये मिरर के पैरेलल चलने लग गया, हम भी चल दिए, और ये 0.5 में मिल गए। ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइंट फिगर एल, एल एक मिरर हो गया, ठीक है। इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बोल लीजिए चाहे उसे मिरर बोल लीजिए, ठीक है। प्लेन मिरर क्या बोल सकते हैं आप, प्लेन मिरर याद रखिएगा। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इन सिमेट्रिकल, तो चलिए ना हम इसी बुक पे ही इसका सोल्यूशन कर दें, ठीक है। इसे आप देखिए, ये तो लाइन है नो डाउट, ठीक है। लाइन की जो लेंथ होती है वो इन्फिनाइट होती है, ये बात याद रखिएगा। लाइन नेम जो होता है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, विच हैव नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। और लाइन सिगमेंट जो होती है उसकी दो एंड पॉइंट होती है, जैसे ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, इनकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। और इसका आइडेंटिटी क्या होता है, जो एरो होता है, अगर एरो ना हो तो फिर ये लाइन सिगमेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए अगर हम इसका डिस्टेंस भी मेजर करें तो देखिए अप्रोक्सीमेटली ये 3 है, तो हम भी यहाँ से ड्रा कर दें 3 सेंटीमीटर। आप कॉपी में ऐसे ही कर लीजिएगा, सेम बना लीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसे ड्रा कर दें, ये हमने ड्रा कर दिया, क्लियर। अब ये भी एक लाइन ही है, यहाँ से निकली हुई है तो रे हो गया। अब देखिए ये कहाँ पे टच है, कितने सेंटीमीटर पे, देखिए ये कहाँ से लाइन आई है, 2.2 से वर्टेक्स है ना, तो यहाँ से आप भी कर लीजिए 2.2। तो यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1.2, और हमारा डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली 1.2 ही है। तो इसे आप ज्वाइन बस माफ़ कीजिएगा, ये आप ज्वाइन कर दीजिएगा और यही आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। हमने इमेज भी बना दिया, ये डबल लाइन है, आई थिंक वी हैव इरेजर, तो ये लाइन आप ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा, यही आपका फाइनल इमेज है। ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 1.2 है, ये भी आपका 1.2, याद रखिएगा डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए अगर आप घर में कर रहे हैं तो। क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये आपका 2.2 है आई थिंक, ये पॉइंट जो जॉइंट है, तो ये भी हमने यहाँ पे 2.2 किया है सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आप कॉपी में ऐसे ही बना लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइंट फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एल एक लाइन सिमेट्री है, मतलब प्लेन मिरर है। ड्रा द इमेज, अब इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है जो कि एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड की इक्वल होगा, ये साइड की इक्वल होगा, ये बात याद रखिएगा। और इसका हमें क्या करना है, इमेज फाउंड करना है। तो चलिए ड्रा करते हैं।
ये है आपका पैरलोग्राम, क्या है पैरलोग्राम, ठीक है। तो अभी तो यहाँ डन, यहाँ पे राइट कर देते हैं पैरलोग्राम। चलिए इसका इमेज ड्रा करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई भी आप ले लीजिए, क्यों, क्योंकि मिरर यहाँ पे है तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, नो डाउट। अब देखिए अगर हम पहले नीचे वाले का ड्रा कर लें, किसे, नीचे वाले को, तो ध्यान से देखिए ये हमने परफेक्ट पैरलोग्राम किया। देखिए 1 2 3, 3 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हम पॉइंट भी कर देते हैं 1 2 3, डाउन साइड देखिए 1 2 3, यानी ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, और ये कॉर्नर देखिए डायगोनल है 1 2 और 3, तो इधर डायगोनल है, डायगोनल साइड से लेंथ में ज़्यादा होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप जानना ही चाहते हैं इसका लेंथ कितना है तो हम ड्रा भी कर देते हैं। ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 4.2, कितना है 4.2, तो इसमें भी आप देखेंगे 4.2 होगा, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। कितना है 4.2, ये 4.2, हम यहाँ ज़्यादा लार्जेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी इमेज भी बनाना है। तो देखिए ये आपका एक बॉक्स दिख रहा है, गौर से देखिए, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये डायगोनल हुआ, तो भाई ये आपका इमेज लाइन है, ए सॉरी मिरर लाइन है, तो आपका ऑब्जेक्ट एक डायगोनल साइड भाग रहा है ना, दूर साइड, अंदर तो नहीं आ रहा ना, बाहर भाग रहा है, तो आप भी इसका डायगोनल बाहर कर दीजिए ना। ये देखिए अभी हम सिर्फ इसका इमेज बना रहे हैं, मतलब आप ये सोच लीजिए इतना अभी आपके पास नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ये बॉक्स बस है, ये जो आपका बॉक्स है ये टच है, ये टच है, इसका इमेज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दूर गया, दूर जाने के बाद इसका डिस्टेंस देखिए, मान लीजिए कोई लड़का है, ये इधर आया, हम भी इधर उसको भेज दिए, उसका इमेज उधर ही जाएगा ना, देखिए उधर जाएगा तो इमेज का उधर जाएगा। भाई आप मिरर के पास खड़े हैं और उसको डायगोनल साइड जाएंगे तो भी तो उधर जाएगा ना, अगर आप सीधे आएंगे तो भी सीधे जाएगा उसका इमेज, तो ये हो गया। दूसरा, इस पॉइंट से अब वो क्या कर रहा है, मिरर की ओर पैदल चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है 3 सेंटीमीटर, तो आप भी आ जाइए 3 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर मतलब 1 2 3, यहाँ तक आप आ जाइए, ये 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि मिरर की ओर ही चल रहा है ये, क्लियर हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से देखिए ये क्या किया, यहाँ से फिर डायगोनल चला इस साइड, हट रहा है इस बार, ठीक है हट रहा है, तो आप भी उसके पास आ जाइए। भाई ये इधर जा रहा है तो इसका इमेज उसी साइड जाएगा ना, और ये जाके मिरर में मिल रहा है तो ये भी तो आपका आके मिरर में मिलेगा, नो डाउट, ये आपका आके मिरर में आ गया, बन गया इसका इमेज, गौर से देख लीजिए, सिर्फ इतने का इमेज आपका ये हुआ। अब आते हैं टॉप में, तो देखिए अब वही लड़का यहाँ पे आने के बाद दूर भाग रहा है, कितना, डायगोनल डायगोनल, 1 डायगोनल 2 डायगोनल, किधर भाग रहा है, दूसरे साइड, तो इसका भी इमेज इधर आएगा। भाई वो इधर भागेगा तो इधर आएगा, इधर भागता तो हम इधर भगाते उसको, तो ये 2 डायगोनल टच कर रहा है, तो यहाँ से आप 2 डायगोनल आप भी चलिए ना, तो 1 और 2 यहाँ पे आएगा डायगोनल। देखिए ये आपका बॉक्स हुआ, अगर गौर से देखेंगे तो ये बॉक्स, ये डायगोनल हुआ, तो 1 डायगोनल और ये 2 डायगोनल, क्लियर, ये हो गया आपका इसका साइड। तो सेम वे पे इसके बाद वो मूव कर रहा है मिरर की ओर, इस साइड लेफ्ट की ओर, तो हम भी चलते हैं कितना, 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाइए, ये आ गए, क्लियर। यहाँ पे आने के बाद वो क्या कर रहा है, मिरर की ओर फिर डायगोनल चला 1 2, कितना चला डायगोनल, 1 2, तो आप भी आ जाइए 1, ये फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल ये टच हो गया, ये हुआ इसका इमेज फॉर्म, क्लियर, समझ में आ गया। सो ये आपका पैरलोग्राम हुआ और ये आपका इमेज, इमेज हुआ ब्लैक कलर वन, इमेज ऑफ पैरलोग्राम, क्लियर। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी द फॉलोइंग फिगर ऑन द स्क्वायर पेपर, फिर से हमें कॉपी करना है यानी उसका इमेज फाउंड करना है, एंड दे फाइंड देयर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द मिरर लाइन L। अब L से हमें रिफ्लेक्शन बनाना है, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है उसका इमेज का रिफ्लेक्ट होना,
उसका जस्ट अपोजिट होना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो अभी हमने जितने भी डायग्राम किए वही कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन। जो हमने यहाँ प्रैक्टिकल आपको बताया यही कहलाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने जो आपसे बताया कि सीनियर स्टूडेंट से ज़रूर पूछिएगा तो यही बताएंगे बेटा ये आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर का नाम ही है। क्या है? रिफ्लेक्शन। या गूगल में आप सर्च कर सकते हैं क्लास 10th एम एल अग्रवाल, तो आप देखिएगा रिफ्लेक्शन का एक चैप्टर ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सभी रिफ्लेक्शन, मतलब इसका इमेज इधर बना रिफ्लेक्शन, इसका इमेज डाउन बना रिफ्लेक्शन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसका इमेज ऐसे बना रिफ्लेक्शन, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये टॉप का इमेज माफ़ कीजिएगा डाउन बनेगा, ये यहाँ का इमेज यहाँ बनेगा अगर आपका इस फॉर्म पे है तो। ठीक है, वही आपका एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कंफ्यूज में था, बट सभी क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th में आपका जो इमेज दिया था उसको भी हमने यहाँ पे बना के रखा है। ये आपका मिरर है, आप इसे मिरर भी बोल सकते हैं एन लाइन को। ठीक है, एन लाइन, ये एल लाइन सॉरी। ठीक है, अब ये मिरर को हम यहाँ पे 1 by 1 रखेंगे, क्या इसका इमेज हमें फाउंड होगा, अदरवाइज नहीं। अगर देखिएगा ये हम स्केल को ही समझ लेते हैं, मिरर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रखें तो इमेज बनेगा। ये देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका छोटा सा ट्रायंगल कब बनेगा? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। क्या इधर बनेगा? नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे रखें तो इधर देखिए एक लार्जेस्ट ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर, तो अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रा करें सपोज, तो इसका इमेज इस साइड आपका एक ट्रायंगल बनेगा, पॉसिबिलिटीज है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे एक लाइन, यही जो एल लाइन है, ध्यान दीजिएगा ये आपका एक एल लाइन है, तो देखिए जितना आपको यहाँ ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, कितना टच हुआ है देखिए डायगोनल 1 and 2, टू टच है ना। तो अगर इसका लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर दें तो ये, ठीक है, कितना टच है? 2 touch है। तो यहाँ देखिए, देखिए ये पॉइंट से दूर भाग रहा है ना, कितना भाग रहा है? दूर, कितना? 1 and 2। तो ये मिरर से कितना दूर भाग रहा है? 1 and 2। भाई यहाँ से वो भागेगा तो यहाँ से वो भागेगा, तो 1 and 2, तो क्लियर हुआ। तो ये ट्रायंगल का देखिए सेम है, इधर देखिए 1 and 2 centimeter, तो यहाँ पे भी देखिए 1 and 2 centimeter। क्लियर, और इसका डिस्टेंस देखिए 1 centimeter, यहाँ पे देखिए 1 centimeter, तो यहाँ भी देखिए 1 centimeter है। क्लियर, तो मतलब यहाँ पे कितने लाइंस पॉसिबिलिटीज है? 2 plane, मतलब 2 lines आप बोल लीजिए, या 2 plane मिरर पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ भी डिस्टेंस देखिए तो 1 centimeter का, यहाँ भी आपका 1, तो 2 possibilities है। हाँ, सेकेंड नंबर से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन को अगर हम यहाँ पे रखें, जैसा कि आपके बुक में है, आपके बुक के अकॉर्डिंग हमने इमेज बनाया है, हम उसे भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, अगर ये लाइन को हम यहाँ पे रखें, क्योंकि वर्टेक्स तो एक ही है, सिंगल ये है, दूसरी जगह कहीं वर्टेक्स नहीं है, है क्या? वर्टेक्स पॉइंट एक ही जगह है, तो वर्टेक्स अगर यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल आप जनरली अगर बनाएं, ये ट्रायंगल हमने बनाया, तो आप इसे वर्टेक्स बोलेंगे ना, यहाँ से तो लाइन कभी खींच ही नहीं सकते, नो नेवर, यहाँ हो ही नहीं सकता, होगा तो उसके सेंटर से ही होगा। आइसोसेलस आपने 13.1 में पढ़ा कि उसमें से केवल एक ही सिमेट्री लाइन जा सकती है, जो उसे 2 parts में, सिमेट्री मतलब होता है उसका हूबहू इधर भी होना, सिमेट्री का मतलब ही होता है। तो क्या इसमें भी आप देखें उधर साइड से, अगर आप यहाँ से स्टैंड होकर देखेंगे तो आपका इमेज सही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टैंड होकर देखेंगे तो ये टॉप कहलाएगा, तो अगर इसमें हम लाइन ड्रा कर दें तो इसका इमेज कभी इधर पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा ट्रायंगल है, देखिए 2 diagonals को टच करा, लेकिन यहाँ देखिए कितना diagonals है, इसकी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं है। लेकिन आप अगर ड्रा करना चाहते हैं इस लाइन को, तो आप सिर्फ एक ही जगह से कर सकते हैं, दूसरा कोई भी जगह नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है।
लेकिन ये इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये तय है, ये आप मानिए या न मानिए, इसका रिफ्लेक्शन ये नहीं हो सकता। कैसे? इसका टू डायगोनल है, यहाँ पे देखिए डायगोनल 1 2 3 डायगोनल जा रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस देखिए 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3, ये 3 पॉइंट जा रहे हैं, उसका भी वही है। क्लियर? सो अगर आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लाइन कहीं से भी ड्रा नहीं कर सकते, यहाँ से तो कभी जाएगी नहीं क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट है। क्लियर? सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। क्लियर?